फैली बाघ की दहशत, आमजन भयभीत। नेपानगर से 2 किलोमीटर दूर रतागढ़ गांव में केली के खेतों में नजर आया बाघ। इस खबर को वीडीटीवी भारत द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम, तहसीलदार, फॉरेस्ट एसडीओ, रेंजर सहित प्रशासनिक अमला सर्चिंग करने पहुंचा खेतों में। क्षेत्र में फैली बाघ की दहशत, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को खेतों में जाने से किया मना। राजस्व विभाग ने गांव में कराई मुनादी। बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में वन विभाग ने लगाए नाइट विजन कैमरे। वन विभाग के कैमरों में बाघ नहीं हुआ कैद। अभी शेर नहीं पकड़ा गया, इसलिए खेतों में किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा। वन विभाग द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और भोपाल की टीम आते ही रेस्क्यू किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्योंकि बुरहानपुर जिला की नेपानगर क्षेत्र का मामला है, बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। अमरावती, बुलढाणा, जलगांव, ये जिले महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगे हुए हैं। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर अब जानवरों को भी दिखने को मिल रहा है। अब जानवर पानी की तलाश में, ठंडक की तलाश में खेतों की ओर जा रहे हैं। केले की खेती सर्वाधिक होती है। जिले में चारों ओर जंगल हैं और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा ये जिला अन्य जानवरों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तेंदुआ, बारासिंगा, भालू, शेर, हिरण जैसे अन्य जानवर भी भीषण गर्मी में खुले में देखे जा सकते हैं। नेपानगर एसडीएम विशा माधवानी ने बाके मूवमेंट वाले खेत में सर्चिंग की। भोपाल से बुलाई जा रही है रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम के अधिकारी हाथी के ऊपर बैठकर पकड़ेंगे बाघ को। एसडीएम ने गांव वालों के बीच में जाकर सभी से सावधानी बरतने और कुछ दिन के लिए खेतों में नहीं जाने की हिदायत दी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीण बाघ को जल्द पकड़ लिए जाने की कर रहे हैं मांग। ज्यादा दिनों तक खेत में नहीं गए तो फसलें हो जाएंगी बर्बाद। सुनिए क्या कहा एसडीएम विशा माधवानी ने। प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ जहाँ पर टाइगर फर्स्ट टाइम स्पॉट हुआ था, उस लोकेशन पे आए हैं हम। फॉरेस्ट विभाग द्वारा कैमराज लगाए गए हैं उनको लोकेट करने के लिए। वो कैमरा अभी हमने लिया है, उसका चिप में देखा जाएगा कि उसका लोकेशन क्या रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीओ फॉरेस्ट द्वारा अभी बताया गया कि उन्होंने भोपाल लिखा है परमिशन के लिए, और वंस लोकेशन ट्रेस हो जाता है, जोन फिक्स हो जाता है, उसके बाद में रेस्क्यू की टीम आएगी। फिलहाल हमने इस चीज़ को देखते हुए गांव में मुनादी भी करवाई है, और स्पेशली जो एक खेत वाले हैं उनको हम लिखित सूचना भी जारी कर रहे हैं। ओरल तौर पे हम सभी को बता चुके हैं, समझाइश दे चुके हैं, क्योंकि रिस्की एरिया है, डेंजरस है, तो फिलहाल के लिए लॉकडाउन भी लागू है। सब अपने घर में ही रहें और खेतों की तरफ भी ना आएँ। किस तरह रेस्क्यू किया जाएगा टाइगर का? मेरी अभी यही चर्चा हो रही थी। बताया गया कि हाथियों के ऊपर बैठकर रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि टाइगर हाथी पर अटैक नहीं करता। तो हाथी लेकर आती है रेस्क्यू टीम जो है, उसके बाद में टाइगर को यहाँ पिंजरे में लेकर और फिर छोड़ा जाता है। जब तक रेस्क्यू नहीं हो जाता तो क्या किसानों को खेतों में नहीं आने दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। हम मुनादी भी करवा रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि अपनी जान को, अपनी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि केली की खेती ऐसी होती है कि इट इज़ वेरी डेंस, दिखाई नहीं देता ठीक से, इसीलिए अंदर जाना बहुत रिस्की है। मध्य प्रदेश से मनीष गुप्ता की ये रिपोर्ट।